हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आज का जो ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग से, और इवनिंग के भी हो रहे हैं 5:30। यहाँ पे 3 दिन से बारिश हो रही है, और बारिश इतना ज्यादा हो रही है, कभी मतलब 3 दिन से एक दो सा भी नहीं छूटा है। 3 दिन से कंटिन्यू बारिश, और कपड़े उपड़े भी नहीं सूख रहे हैं। जैसे मैं सो के उठी थोड़ी देर पहले, स्पर्स पे मेरे साथ सोया हुआ था, और साधना भी अभी सोई हुई है, इसीलिए मैं थोड़ा सा देरी आप लोगों से बात कर रही हूँ, और संपर्क भी सो रहा है। तो स्पर्श और मैं उठ गई हूँ कि स्पर्श अभी दिन में ज्यादा सोए, मेरी आंखों में भी स्वेलिंग है। और मैं अभी किचन में आ गई शाम का नाश्ता बनाने के लिए, और शाम के नाश्ते में मैं बना रही हूँ पोहा भून रही हूँ और मूंगफली। यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ पोहा, और मैंने मूंगफली जो था उसको भून लिया है, और पोहा में थोड़ा सा ऑयल मैंने कढ़ाई में डाला था। देन मैं डाली थी हरी मिर्च कट करके। वैसे आप जितना अगर ज़्यादा मिर्च खाते हैं तो ज़्यादा मिर्च भी खा सकते हैं। ये स्नैक्स हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, थोड़ा सा ड्राई होता है ये स्नैक्स। एंड यहाँ पे मैं मिल्क गर्म कर रही हूँ, और साथ में साथ मैं निकाली हूँ करेले। तो इतना सा ही करेले मेरे पास था, ज़्यादा नहीं था, तो इसको मैं कट कर ले रही हूँ, और थोड़ा सा ज़्यादा दिन का हो गया है। और यहाँ पे मैंने मलाई निकाला है। यहाँ मूँगफली भूनी थी वो थोड़ा सा डार्क हो गया था, तो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसे। एंड ये जो करेला है काफ़ी दिन का हो गया है, तो ये आप ऊपर से ना थोड़ा सा इसका कलर वो देख रहे हो, तो कट करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए बॉयल कर दे रही हूँ, उसका कड़वापन चला जाएगा एंड ये थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो बस मेरे को लगा कि बॉयल करने की इसको ज़रूरत है, मतलब ज़्यादा बॉयल तो नहीं, मतलब 5 मिनट नहीं, 1 मिनट बस, और उसके बाद मैंने निकाल दिए थे करेले को, छान लिए थे। यहाँ पर फ्राई हो गया था, और उसी कढ़ाई में मैं ऑयल डाल दे रही हूँ, और इसी में बना रही हूँ फटाफट सब्जी। तो मैंने प्याज कट कर लिया है, और जो करेले वाली सब्जी कट करी थी उसको मैं सोची ना इसी में बना के रख दे रही हूँ, बाउल में निकाल के रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने मोटे मोटे तरीके से प्याज कट किया है, एकदम पतला पतला स्लाइसेस नहीं किया है, बिकॉज़ ये थोड़ा सा सॉफ्ट होते होते ना इसका कलर चेंज होने लगता है, और मैं जब ज़्यादा पतला कट करूँगी तो ये जलने जैसा हो जाएगा। तो इसी वजह से करेले की सब्जी में मैं अक्सर ऐसे ही कट करती हूँ प्याज को। तो थोड़ा सा मैं इसको भून लूँगी अच्छे से, और थोड़ा सा जब कलर चेंज होगा या फिर हमें लगेगा कि सॉफ्ट हो गया, उसके बाद में करेले भी इसमें डाल दे रही हूँ। तो ज़्यादा करेला है नहीं, बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बनी थी, और जितने कम करेले की सब्ज़ी बनाओ उतने ही टेस्टी बनती है। अगर ज़्यादा करेला हो जाता है ना तो फिर उतना टेस्टी नहीं लगता है, और थोड़ा सा होता है तो फिर बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी सा बनता है। तो बस मैंने इसे डाल लिया, हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसी वजह से मैं थोड़ा सा बना के रख ही दे रही हूँ। और साधना बिल्कुल भी नहीं खाती ये सब्ज़ी, और मैं तो थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, लेकिन मैं इनके लिए ही बना दे रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा तो था नहीं, आपने देखा था। बस इसको मैं भून ले रही हूँ, और भूनने के बाद मैं इसको ढक के पकाऊँगी, और हल्दी नमक बस डालना रहेगा मुझे इसमें। और दूसरी साइड में बन रही है, मिल्क गर्म हो रहा है संपर्क के लिए, क्योंकि वो सो के उठ चुका है, और साधना भी सो के उठ चुकी है। तो उसके बाद संपर्क जब सो के उठता है, उसके बाद किचन में आ गई थी साधना मिल्क देने के लिए, और वो उसको भूख लगी हुई थी। बस यहाँ पे मैं थी किचन में, और मैं थोड़ा बहुत काम जो था ना उसको निपटा रही थी, और उसके बाद फिर हम दोनों मिल के काम करेंगे। थोड़ा बहुत स्पर्श नहीं सोता है, या फिर मैं नहीं सोती हूँ तो मैं किचन में आ जाती हूँ और थोड़ा काम करने लगती हूँ, और बस उसके बाद हम दोनों मिल के रात का जो डिनर है वो बनाएंगे। थोड़ा बहुत तो बन ही चुका है। तो बस आप लोग कैसे हैं आप लोग बताना, और आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं ये भी बताना। मैं बहुत ही जल्दी होम टूर देने वाली हूँ, और यहाँ देखिए यहाँ पे फ्राई, यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी। तो ये है सोयाबीन का कीमा जिसको बोलते हैं, और उसी की सब्ज़ी मैं बनाने जा रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मूंगफली और पोहा जो था वो फ्राई हो चुका है, इनके लिए मैं निकाल के रखती हूँ, बाकी मैंने साधना को दे दिया था खाने के लिए, वो भी खा रही है और मैं भी खा लूँगी। और ये तो थोड़ा लेट आते हैं ना, तो इसी वजह से इनके लिए मैं रख देती हूँ हमेशा। यहाँ पे बस किचन में जो काम था वो कर रही थी, सब्ज़ी बन चुकी है, उसके बाद दूसरी सब्ज़ी बनाने की तैयारी करनी है। आप लोग उसको क्या बोलते हैं, सोयाबीन का कीमा बोलते हैं या फिर कुछ और बोलते हैं, आप लोग मुझे बताना। वैसे हर जगह अलग अलग चीज़ें ही बोलते हैं। तो बस उसको मैंने, उसकी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, बहुत दिनों बाद मैं बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने बॉयल करके निकाल लिया, तो कढ़ाई में मैंने उसको हल्का सा, ज़्यादा बॉयल नहीं करना था, थोड़ा बॉयल करना था, उसके बाद मैं उसको थोड़ा सा ऑयल डाल के और इस कढ़ाई में भून ले रही हूँ। यहाँ साधना पूछ रही है भाभी ये क्या है, तो बस मैं वहीं उसको बता रही थी कि सोयाबीन का कीमा, और वो बोल रही थी कि ऐसी, वो एक्चुअली खाई नहीं है इसकी सब्ज़ी, तो मैं बोली कि चलो आज मैं बनाती हूँ खा लेना, पता नहीं साधना को कैसा लगेगा ये, मतलब खा के मुझे नहीं पता, अच्छा लगेगा तो बताएगी, ख़राब लगा इतना बुरा भी नहीं लगता है। तो बस देखिए कैसा बनता है, और
यहाँ पे मैं मटर भी डालने वाली हूँ, तो मटर भी मैंने थोड़ा सा भून के निकाल लिया था, और मैं मटर और सोयाबीन का कीमे की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। आप लोग बनाते हैं कि नहीं? मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बनाती हूँ, बहुत दिन पहले मैं बनाई थी तो वही वाला था, तो आज सब्ज़ी उतनी ज़्यादा नहीं थी, तो मैं सोची कि चलो मटर तो है ही, और बस इसका मिक्स करके मैं सब्ज़ी बना ले रही हूँ आज की। इसमें मैं डाल दे रही हूँ थोड़ा सा ऑयल, और जो प्याज वगैरह होता है वो सब कुछ भूनने के बाद मैं ये सब्ज़ी बना लूँगी। तो मैंने थोड़ा सा गार्लिक इसमें डाला है, और प्याज देखिए मैंने कट करके रखा है। ऑयल मस्टर्ड ऑयल में, मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती हूँ, और बहुत सारे लोग अलग अलग ऑयल यूज़ करते हैं, बट मुझे मस्टर्ड ऑयल की सब्ज़ी भी अच्छी लगती है, और रिफाइंड ऑयल से तो हेल्दी होता है। बस उसके बाद ये सब्ज़ी बनाऊँगी, और इसमें मैं डाल दूँगी दालचीनी, छोटी इलायची, लौंग, लौंग डाल दूँगी, तेज़पत्ता डाल दूँगी, तो बाकी जो खड़े मसाले होते हैं वो इसमें डाल दूँगी, और मैं स्पाइस बॉक्स में उन सबको रखती हूँ, जो खड़े मसाले होते हैं स्पाइस बॉक्स में रखती हूँ। कभी कभी धनिया पाउडर, जीरा पाउडर भी रख देती हूँ, बट हमेशा मैं चेंज करती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे इसमें ना थोड़ा सा बिखर गया है, मसाले जो होते हैं ना वो बिखर गया है, तो बस शिफ्ट करने के चक्कर में। तो यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह सब कुछ डाल दिया है, और उसके बाद ये टमाटर है, तो टमाटर को मैं बगल में बाउल में ना पानी रखी उसमें वॉश कर ली हूँ, और उसके बाद मैं टमाटर को कट कर लूँगी। तो यहाँ मैंने कट कर लिया, उसके बाद मैं इसमें डाल दे रही हूँ, ताकि साथ ही साथ ये भी सॉफ्ट हो जाएगा। और ये सब्जी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, और देखिए साधना को कैसी लगेगी पता नहीं, उसको बाद में पता चलेगा। नमक मैंने डाल दिया है ताकि सॉफ्ट हो जाए, ढक के इसको पका लूँगी, और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी मसाला, तो मसाला थोड़ी देर बाद ऐड करूँगी। उसके बाद फिर मैं ना वो सब्ज़ी बन रही थी, मैं साथ ही साथ आ गई थी वाला कवर ठीक करने के लिए, तो इसमें मैंने किचन के थोड़े से सामान रखे हैं। तो यहाँ पे आपने देखा एक पतीला है, उसमें दो पतीला है बड़े बड़े से, और जो एल्युमिनियम का है एक्चुअली मैं बहुत ही पहले ली थी। उसके बाद यहाँ पे इडली स्टैंड है, यहाँ पे डिनर सेट के जो राइस जो बाउल होता है ना, डोंगा होता है वो है, और ये मेरा कुछ दिन पहले दिखाई थी किट्टी में मुझे ये कंटेनर मिला था ग्लास वाला, तो इसको मैंने ऐसे रखा है मैं इसको। और ये जो कैस्ट्रोल है ये भी, ये मुझे साधना ने दिया था जब मैं भोपाल गई थी, इसका 3 का सेट उसने दिया था मुझे। तो और इसके बाद ये है जो मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था, और ये बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन ये शिफ्टिंग के चक्कर में ना थोड़ा सा टूट गया, बट वो तो चलेगा थोड़े दिन के लिए, मैं इसको यूज़ करूँगी क्योंकि बहुत ही अच्छा था, और ये बहुत ही सुंदर था ये। तो बस इस तरीके से इसकी पैकेजिंग थी ना बहुत ही अच्छी वाली थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं उसको कपड़े में ऐसे लाइट की वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि फोकस नहीं कर रहा है कैमरा, और ये क्रिस्टल कंपनी का है, तो बस इसको मैं रख दे रही हूँ, 2 दिन बाद निकाल के जब किचन ठीक करूँगी ना तो फिर उसको मैं किचन में ही रखने वाली हूँ। और देन ये वाला जो डब्बा है इसमें प्रेशर कुकर है, कढ़ाई है, तो मैं कढ़ाई निकालने वाली हूँ अब, तो बस 1-2 दिन बाद ही निकालूंगी, अभी सोच रही हूँ किचन सेट हो जाए। और ये जो कुकर है और कढ़ाई है, मेरे हस्बैंड को दिवाली पे गिफ्ट मिला था ऑफिस की तरफ से, तो कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलता है, और इस बार मैंने आपको दिखाया था कि ब्लैंकेट्स मिला हुआ था, और एक बार बैग मिला था, तो ऐसे कुछ ना कुछ दिवाली पे मिलता रहता है। यहाँ साधना सब्जी कट कर रही है मॉर्निंग के लिए, क्योंकि इस टाइम की तो सब्जी बन चुकी है, और यहाँ पे गोभी कट कर रही है, गोभी आलू बनने वाली है, ये आ चुके ऑफिस से, और ऑफिस से आने के बाद इस पर्स को पढ़ा रहे थे, तो ये व्हाइट बोर्ड पे इसको पढ़ाते हैं, और इसको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, और ये जब आ जाते हैं ऑफिस से ना तो ये बस इनके पास ही रहता है। तो बस यहाँ पे हीटर भी चल रहा था, और वो 1 से 100 तक वो पढ़ता रहता है, और उसके बाद यहाँ पे साधना है। एक्चुअली यहाँ पे स्पर्श पढ़ाई कर रहा था, तो संपर्क ने भी बोला था कि मुझे भी पढ़ाना है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा आवाज़ साधना की दी थी, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा हम सब बोल रहे थे ना कि किसी की आवाज़ ढंग से नहीं आई हुई थी, इसलिए मैंने म्यूट किया फिर से, क्योंकि ये भी बोल रहे थे, मैं भी और साथ में स्पर्श संपर्क सब लोग बोल रहे थे,
तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी बेडरूम में और यहाँ पे देख रहे हैं वो एक कमेंट्स आया हुआ था कि आपके घर में सामान से ज़्यादा तो कपड़े हैं तो कपड़े हमारे घर में सच में बहुत ज़्यादा है और इस टाइम पे सर्दियों में और भी ज़्यादा हो जाते हैं, इधर उधर फैले रहते हैं। और फिर से साधना के भी कपड़े, संपर्क के भी कपड़े हमारे भी हैं और मैंने अलमारी को भी सही नहीं किया, इसी वजह से इतना ज़्यादा फैले हैं। कुछ दिन में ही सारे कपड़े हट जाएंगे और आप लोग उसके बाद कपड़े मेरे घर में नहीं दिखेंगे और मैं सच में कपड़े बहुत ही ज़्यादा है और ऐसा नहीं है, सामान भी है, कपड़े भी हैं। तो यहाँ पे मैं अपने जो स्वेटर्स वगैरह थे उसको मैं फोल्ड कर रही थी और यहाँ पे ड्रेसिंग पे के ऊपर भी सामान अभी रखा हुआ है। तो जैसे जैसे जगह बन रही है ना वैसे वैसे सारा सामान मैं सेट करते जा रही हूँ धीरे धीरे। तो यहाँ पे ये जो चेयर पे जो कपड़े हैं ये छत पे से ला के रखा गया है, इसको बस फोल्ड करना था। और ये सारे सूखे हुए कपड़े हैं, वहाँ एक पीछे आपको बास्केट दिख रहा है तो वो स्पॉर्च का है तो उसको भी मुझे सेट करना है, अभी सेट मैंने नहीं किया है तो उसको बस सेट करूँगी, उसके बाद उसमें भी कपड़े बहुत ही कम हो जाएंगे। यहाँ ये मेरा स्वेटर है और चेयर पे दो तीन थैले दिख रहे हैं, येलो स्काई ब्लू। ये जो थैले हैं ना, तीन चार थैले, इसमें सारे सॉक्स हैं। तो स्पॉर्ट्स के कपड़े भी मैं अलग कर रही हूँ, अपने कपड़े अलग, साधना के अलग, संपर्क के अलग, ऐसे ऐसे मैं फोल्ड कर रही हूँ। तो ये वाला स्वेटर जो है ये स्पॉर्ट्स का है बट संपर्क में आ जाता है, तो हम सब ना थोड़ा सा एक्सचेंज करके यूज़ कर लेते हैं हम एक दूसरे का ऐसे, और कभी मैं साधना का डाल लेती हूँ, साधना मेरा, कभी संपर्क स्पॉर्ट्स का, ऐसे सब डाल लेते हैं। इसमें बस सॉक्स ही सॉक्स है और अब साधना ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली है, पता नहीं क्यों। अब देखिए अब क्या होता है, मैं आगे के ब्लॉग्स में आप लोगों से बताने वाली हूँ कि वो रहेगी कि नहीं। अगर हाँ जाएगी तो फिर मैं आपको ये कपड़े जो है मैं जाके कबर्ड में डाल दी दूसरे वाले रूम में, क्योंकि इस रूम में कबर्ड नहीं था, दूसरे रूम में कबर्ड। यहाँ पे आ गए हैं किचन में, साधना फटाफट बना रही है रोटी और बस संपर्क स्पर्श को भूख लग गई थी, यहाँ पे सब्जी भी लगभग बन ही रही थी तो मैं सोची ना कि साथ ही साथ सब्जी बनती रहती होगी, इसको मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर रख के चली गई थी। तो और भी काम होता रहता है और इस तरीके से बहुत सारा काम हो जाता है। तो बस वो रोटी बना रही है और अपने बैंगल्स जो है वो निकाल दिए, क्योंकि कभी कभी सर्दियों में चुभने लगता है या फिर आटा गूंथो तो उसमें भी लग जाता है। तो बस मैंने तो बस अभी वीडियो में ही देखा ऐसे, मैंने सामने से नहीं देखा था और मेरा ध्यान भी नहीं गया था कि साधना ने बैंगल्स निकाल के और फिर वो रोटी बना रही है। और बहुत ही सर्दी है तो बस उसने भी स्टॉल्स वगैरह बांध रखे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से ताकि ठंडी ना लगे, और उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। वो खुद बोल रही है कि मुझे पहली बार इतना फील हुआ है, मतलब ठंडी बहुत ज़्यादा, मतलब फर्स्ट टाइम उसने इतनी ठंडी फील की, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सर्दी पड़ती है यार। यहाँ पे जो अभी जनवरी में सर्दी पड़ रही है ना ये पूरी फरवरी तक रहती है, मार्च में भी सर्दी रहती है, अप्रैल से थोड़ा बहुत ठीक होता है। तो बस ऐसे ही चलता रहता है यहाँ पे, मतलब गर्मी थोड़ी सी, गर्मी भी कम पड़ती है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो बस यहाँ पे सब्जी देखिए बन चुका है और थोड़ा सा मुझे बस इसको ड्राई करना था, और ड्राई कर दो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, मसाले वगैरह सब कुछ मैंने ऐड कर दिए थे। तो और इनका मैं खाना भी निकाल रही हूँ, और एक्चुअली सब्जी बन चुका था उसके बाद मैं गरम करने के लिए आई थी और साधना फटाफट रोटी बना रही, तो इनको मैं खाना निकाल दे रही हूँ और रोटी और सब्जी। और ये क्या है, स्पर्श को पढ़ा लिए थे और उसके बाद फ्री हो गए थे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जैम निकाल रही हूँ, आंवला का जो जैम बनाई थी ना उनको, इनको खाने में मैं दे दूँगी। तो मैं इनसे पूछ ले रही हूँ लेंगे कि नहीं लेंगे, उसके बाद मैं इनको दूँगी। और बस हम दोनों की बातें भी चलती रहती थी, देखिए जैम और मैं थोड़ा सा इनको निकाल के दे पूछी तो ये बोले कि हाँ दे दो फिर, तो मैंने भी निकाल के दे दिया इनकी थाली में। और बस रात का डिनर हमारा होने वाला है तो ये रहा इनका खाना, और कुछ नहीं बना बस इतना। उसके बाद मैं किचन की क्लीनिंग करने के लिए आई थी और मुझे यहाँ पे गैस को क्लीन करना था, तो स्क्रबर में थोड़ा सा विम बार लगा के और उसके बाद ऐसे क्लीन कर रही हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ना ऑयली सा हो गया था और मुझे अभी यहाँ के टाइल्स वगैरह भी क्लीन करने हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रब कर दे रही हूँ, बट दूसरी साइड का ना दूसरे दिन मैं करने वाली हूँ, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और मेरे को लगा कि ज़रूरत है तो इसी वजह से ना मैंने कर दिया। और बस यहाँ पे थोड़ा सा ना ब्लैक सा जमा हुआ है तो उसको मैं बाद में सब अच्छे से ना क्लीन करने वाली हूँ थोड़े दिन बाद, धीरे धीरे सब कुछ होता रहेगा, एकदम से नहीं करूँगी मैं, क्योंकि मेरी तो दवाई अभी भी चलती है और दर्द भी होता है बॉडी में। यहाँ पे गर्म पानी इनको निकाल के दे रही हूँ क्योंकि सर्दियों में गर्म पानी पीते हैं। यहाँ पे साधना लहसुन को छिलके उतार के वो रख रही थी सुबह की सब्जी बनाने के लिए। तो बस ऐसे एक एक काम को ध्यान दे के ना करना पड़ता है। और बस इसको मैं भी दे दी इनको जो था चटनी, और भी ये मांगे थे। यहाँ पे करेले की सब्जी ना भूल गई मैं इनको देना ही, और कितनी मतलब खुश होकर मैं बनाई थी और सब्जी देना ही भूल गई। ये बोले कि कोई बात नहीं सुबह ब्रेकफास्ट में मुझे दे देना, फ्रिज में
रख दो। थोड़ा सा मैंने इनको दिया लेकिन उसके बाद मैं रख दी फ्रिज में। यहाँ मैं मिल्क से मलाई निकाल रही थी और आज मैं किसी का नाम नहीं ले पाई, सो सॉरी इसके लिए। यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है बॉटल में डालने के लिए, क्योंकि रात में पानी रखना ज़रूरी होता है। और एक साइड में मिल्क रख दी हूँ ताकि संपर्क जो है वो पी लेगा। और बस हम दोनों भी जा रहे हैं खाना खाने के लिए, साधना और मैं, तो हम दोनों अक्सर एक साथ ही खाना खाते हैं। अगर किसी को ज़्यादा भूख लगी होती है ना तो हम बोल देते हैं कि हम मतलब मैं खाने जा रही हूँ, तुम भी खा लेना, ऐसा रहता है। तो हम दोनों हमेशा एक साथ ही खाना खाते हैं। कभी कभी इधर उधर हो जाता है बच्चों का अगर पंगा रहता है तो, क्योंकि अगर बच्चों को भूख लग जाती है तो हम उनको खिला देते हैं और खा लेते हैं। तो अक्सर यहाँ पर साधना हनी निकाल रही है और संपर्क हनी से ही खाता है, इसीलिए यहाँ पे बस हमारा डिनर हो चुका है और यहाँ पानी पी रही है साधना और मैं भी हूँ। तो बस किचन का ऑलमोस्ट काम जो था वो ख़त्म हो चुका है, बर्तन रखते रही हूँ, सुबह आएंगी काम वाली तो वो वॉश करेंगी। और बस यहाँ पे मैं जा रही हूँ दवाई खाने के लिए और मैं काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे थोड़ा सा ना थक चुकी थी, तो बस यहाँ दवाई खा ले रही हूँ। और मेरी दवाई अभी लंबी चलने वाली, मतलब 2 महीने तो चलेगी ही चलेगी। और एक साइड में ना अभी भी स्वेलिंग है मेरे, मतलब दर्द होता है कभी कभी लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं जैसे पहले था। उस टाइम से तो मैं बहुत ठीक हो चुकी हूँ, आप लोग देखने से ही पता चल रहा होगा, लेकिन हाँ प्रॉब्लम अभी भी है मेरे साथ। तो बस मैं उसको इसी वजह से, मैं इतना आप लोग बोलते हो कि घर सेट नहीं हुआ, इसी वजह से मैं नहीं करती हूँ, ताकि मेरी बॉडी इतना ज़्यादा भी ना हो जाए कि मतलब शिफ्टिंग करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो इसी वजह से मैं धीरे धीरे ही सारा काम करती हूँ। तो बस यहाँ पे अब रात हो चुकी है 9:30-10 बजे के आसपास का टाइम है और बस किचन का ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो चुके थे। यहाँ पे देख रहे हैं स्टैंड पे भी मैंने बाय मैं कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं ब्लॉग इन करूँगी थोड़े टाइम बाद। और यहाँ मैं जा रही हूँ फिर बेडरूम में और ये है मेरा किचन का व्यू, थोड़ा सा आप लोगों ने देखा यहाँ पे। तो बेडरूम में जा रही हूँ, स्पर्श इनके साथ सोने वाला है फोल्डिंग पे, उनका ब्लैंकेट्स वगैरह लग चुका है। यहाँ साधना संपर्क को उसका कान बांध रही थी बिकॉज़ वो बोल रहा है ना खुजली हो रहा है हेयर में, और वो डायपर भी नहीं डाल रहा था और फिर से वो कैप भी नहीं पहन रहा था। तो बस वहीं हम दोनों बातें कर रहे थे कि तुम वो सोया है ना उसी तरह से पहना दो, कोई बात नहीं है। यहाँ पे मैं दवाई रखने जा रही थी और मैं ड्रेसिंग पे ही फ़िलहाल अभी दवाई रखती हूँ, ऊपर वाले पे, नीचे पे नहीं रखती क्योंकि बच्चे हैं ना तो बच्चों का डर रहता है कि पता नहीं ये कहाँ से उठा के खा ले कुछ, तो इसी वजह से सब कुछ ध्यान दे के तब सामान रखना होता है, नीचे ना रखती हूँ मैं। यहाँ पे बस हमारी देवरानी जेठानी के सोने की तैयारी चल रही है। यहाँ देखिए संपर्क ब्लैंकेट्स डाल रखा है और ये गर्मियों में ब्लैंकेट डाल के सोता है और सर्दियों में भी। तो चलिए मैं ब्लॉग को इन करती हूँ, सोने की तैयारी हो गई हम दोनों की। बाय, गुड नाइट।